नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की 4 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच दोस्ती के रिश्ते को मजबूती देना है। पीएम मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष से मुलाकात। नेपाल की प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल प्रचंड इंडिया जा चुके हैं और इंडिया में जाने के बाद इंडियन मीडिया की 2 रिएक्शन सामने आए हैं। एक रिएक्शन आज के वीडियो में शेयर करेंगे और एक रिएक्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। हो सकते हैं वो आज के दिन ही आए, हो सकते हैं वो अगले दिन ही आए। हम 2 रिएक्शन देखने वाले और दोनों रिएक्शन के बारे में स्टार्ट में आपको बताएं कि 2 रिएक्शन में एक रिएक्शन ये आ रहा है कि यार इंडियन मीडिया काफी पोलाइटली अच्छी तरीके से वार्म वेलकम कर रही है नेपाल की प्राइम मिनिस्टर को, जिसका नाम है पुष्पा कमल दहल प्रचंड। और इनको इसलिए अच्छी तरीके से वार्म वेलकम कर रही क्योंकि काफी टाइम बाद किसी नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले वो जो है इंडिया आया है। हमारे पास एक वीडियो है तो उसके ऊपर भी रिएक्शन देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडियन मीडिया किस तरीके से अच्छी तरीके से इनको बुला रही है। दूसरा रिएक्शन ये है कि इंडियन मीडिया और मामलात को खराब करने की कोशिश कर रही है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये मामला खराब किए जा रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। देखिए नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर इस टाइम उसको तकरीबन 6 महीने हो चुके अपनी सत्ता को संभाले हुए और ये गठबंधन वाली सरकार है। इंडियन मीडिया के 2 रिएक्शन के बारे में बात करूं तो एक वो रिएक्शन है कि एक जो है ना पोर चाइनीज गवर्नमेंट कहता है और एक मीडिया चैनल ऐसा है कि एक टाइप ग्रुप ऐसा है जो ये कहता है कि नेपाल जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बेहतरी की तरफ क्यों जा रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें समझा देता हूँ। देखिये एक टाइप की मीडिया ये कहती है कि नेपाल के जो अभी के करंटली प्राइम मिनिस्टर है वो जो पुष्पा कमल जिसका नाम पुष्पा कमल दहल है वो इनका ये कहना है कि ये चाइना का कहना मानते हैं, इन्होंने इसीलिए चाइनीज एक एयरपोर्ट का जो है ना इनॉग्रेशन किया। और दूसरा ग्रुप ये कहता है कि नेपाल के जो ताल्लुकात है वो बेहतरी की तरफ जाए और इंडिया के साथ तो दोनों मुल्कों में आना जाना और बहुत सारी चीजों की डील जो तो आसानी होगी, बेहतर बनाते हैं और नए ताल्लुकात में जो भी हमारे मामलाते हैं उनको सेटल डाउन करेंगे, ट्रेड करेंगे दो एक दूसरे कंट्री से और ट्रेड करने के बाद हमारी दोनों कंट्रियां वो काफी बेहतरी की तरफ जा सकती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक टाइप मीडिया जो है वो नेपाल और इंडिया को लड़ाने के बीच में फंसी हुई है, दूसरी टाइप ग्रुप जो है वो ये कोशिश कर रही है कि यार ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो उनको जाने दीजिए ताकि ताल्लुकात बेहतर हो और दोनों मुल्क में जो है ना आसानी पैदा हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात शेयर करते हैं।